दोस्तों ये हमारे पास ओप्पो का 71 फ़ोन है जिसमें रिकवरी मोड आ रहा है। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर हम इंग्लिश पर सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ वाइप डाटा रिबूट पावर ऑफ। तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे रिबूट करते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा देर वेट करेंगे। तो दोस्तों इसमें यही दिक्कत हो रही है, इसी तरीके से ये फिर से वही ऑप्शन में आ जाएगा जिस तरीके से इसमें फंक्शन आ रहे थे रिबूट का फंक्शन वाइप डाटा का फंक्शन। तो दोस्तों देख लीजिए फिर वहीं पर आ गए जहाँ पे था। तो दोस्तों ये दिक्कत हो रही है, कस्टमर ने बताया ये अचानक इसमें होने लगा दिक्कत। तो ये प्रॉब्लम को ठीक करें कि आपको बताएं किस तरीके से आप प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हमने आपको प्रॉब्लम दिखा दी, प्रॉब्लम क्या है इसमें अब हम इसको रिपेयर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो दिक्कत हो जाती है सबसे पहले उसी को देखेंगे। दोस्तों ये वॉल्यूम की जो होती है इनसे दिक्कत हो जाती है, तो दोस्तों हम इनको चेक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से हमें ये देख लीजिए स्क्रू लगे हुए हैं, इनको ओपन करना होगा। यहाँ से इनको ओपन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ स्क्रू लगे हुए हैं तो ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये बैटरी का पट्टा लगा हुआ है, इसको हटा देना है हमें। और यहाँ भी जो भी पट्टे लगे हुए हैं इनको हटा देना है इस तरीके से। यहाँ एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर कागज़ पर रख दिया है इस तरीके से कि इसमें इसके पिन में ना टच ना हो। तो हम चेक करेंगे, इसको ऑन करके चेक करेंगे तो दिक्कत इसमें हो रही है वो इसी वॉल्यूम से हो रही है या और भी दिक्कत है कोई इसमें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पट्टे सारे लगा दिए हमने, अब इसको ऑन कर लेते हैं यहाँ से। तो दोस्तों देख लीजिए ऑन हो रहा है, यहाँ कुछ टाइम लेगा। ये जो दिक्कत इसमें हो रही थी रिकवरी मोड की वो भी देखते हैं दोस्तों, वॉल्यूम की से है या इसकी और भी प्रॉब्लम अंदर से भी रहती है प्रॉब्लम। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें चेक करना होता वो यही चेक करना होता कि वॉल्यूम की प्रॉब्लम तो नहीं कर रही है। तो दोस्तों कुछ टाइम लेते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर ये ऑन हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने क्या किया इसमें, किस तरीके से ऑन हुआ। तो अभी दोस्तों क्लियर हो चुका है कि दिक्कत कहाँ से हो रही है, दिक्कत वॉल्यूम की से है। अगर आप वॉल्यूम की आप चेंज कर देंगे, जो वॉल्यूम की होती है ये ऑलरेडी प्रेस हो रही है जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि हार्ड रीसेट जो मारा जाता है वो इसी से प्रेस करके मारा जाता है। तो ऑलरेडी ये प्रेस हो रही है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इनको आपको चेंज कर देना है, बिल्कुल आसान है। अगर आपका पट्टा हो तो पट्टा चेंज कर सकते हैं, वरना आपकी वॉल्यूम की चेंज कर देंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है इसको बदलना, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आसानी से बदल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए ये की लगी हुई है दोनों, पावर की सॉरी वॉल्यूम की है, ये वॉल्यूम की हमें चेंज करना होगी। ये तो इनको चेंज कर देंगे हम तो ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाएगी। चेंज करने के लिए आपको दोस्तों इसका पट्टा बाहर निकाल लेना है, और बाहर निकालने के बाद इसको आप आसानी से चेंज कर देंगे। चलिए दोस्तों हम यहाँ से इसका पट्टा निकाल लेते हैं, चिपका होता ही है तो आपको आसानी से निकल आएगा। ये थोड़ा सा हल्के हाथ से निकालना होगा आपको कि टूट ना जाए कहीं से ये। दोस्तों देख लीजिए हमने इसको निकाल दिया, अब यहाँ से हमें ये की है जो निकालना होगी, इनको भी हम निकाल देते हैं यहाँ से। इस तरीके से आपको रखना होगा और ये इस तरीके से बाहर आ जाएंगी बिल्कुल। लीजिए हमने 6 स्विच की निकाल दी हैं और इस पर लगा देंगे, बिल्कुल आसान है लगाना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास पट्टा नहीं है तो पट्टा ना बदलें, आप इसको की को चेंज कर दें तो ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। चलिए दोस्तों हम इस की को चेंज कर देते हैं। दोस्तों ये हमारे पास की है जो हमें चेंज करना है, दो निकाल लेंगे हमें लगाने के लिए। दोस्तों देख लीजिए हमने यहाँ पर इसको लगा दिया है, स्विच लगा दी हमने, अब हम इसको लगा देंगे। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर ये चालू हो गया। इस तरीके से आप की चेंज करके प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ये ऑटो रिकवरी मोड होता है जो पावर की से प्रेस होने से आता है। तो दोस्तों हम दिखा देते हैं फिर से आपको, देख लीजिए हमने इसको चेंज कर दिया यहाँ से और ये प्रॉब्लम इसकी ठीक हो गई। चलिए दोस्तों अब इसको जिस तरीके से हमने इसको ओपन किया था उसी तरीके से इसको हम यहाँ से लगा देंगे बांध देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।